जी आज पढ़ने की इच्छा हो रही है साले नालायक को। अच्छा गुड आफ्टरनून। हाँ जी ही याद होगा तो हम लोगों ने बीसी के स्टार्ट कर दिया है और दिन की शुरुआत हर बार की तरह रिवीजन के साथ। क्या आप रेडी हैं? बोलो हाँ। अपने रजिस्टर को ओपन कर दीजिए। रजिस्टर को ओपन करके हम फटाफट नोट से रिवाइज करते रहेंगे। यस, क्योंकि मुझे पता है तुम घर जाके बिल्कुल रिवाइज करने वाले नहीं हो। तुम मेरे ही जैसे नालायक बच्चे हो जो घर पे जाके कुछ मेहनत नहीं करता। घर पे जाके बस एक बेड होता है, वो बुलाता रहता, आ जाओ मेरा बच्चा थक गया, आ जा। यस चलिए, बीसीके की शुरुआत करी थी साहब। 40 मार्क्स के लिए है, एमसीक्यू के अंदर में दिया हुआ है। बीसीके इज डोमेन। डोमेन किस बात का है? एक स्पेसिफिक डोमेन है। किस बात के लिए? बिजनेस का ज्ञान देने के लिए। दैट इज द बिजनेस रिलेटेड डोमेन। इज बीसीके वास्ट? इज बीसीके इवॉल्विंग? इज बीसीके एक्सपांडिंग? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हमें बताइए, क्या जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्मॉल बिग मीडियम तीनों हो सकता है? इन इंडिया आउटसाइड इंडिया हो सकता है? बिजनेस के स्टेक होल्डर एज वेल एज शेयर होल्डर हो सकते हैं? क्या स्टेक होल्डर के अंदर में गवर्नमेंट आता है? क्या स्टेक होल्डर के अंदर में एम्प्लॉय आता है? क्या स्टेक होल्डर के अंदर में शेयर होल्डर आता है? क्या स्टेक होल्डर के अंदर में अदर रेगुलेटर्स भी आते हैं, सप्लायर भी आते हैं, क्रेडिटर भी आते हैं, हर वो व्यक्ति जो बिजनेस अफेक्ट होता है वो सब आ सकता है इसके अंदर में? ओहो क्या बात है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है? सी यस, मैं कह रहा हूँ सी यस। देखो तुम्हें याद नहीं है, सी यस नहीं। क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है? नहीं, सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपांशन, ये सब भी किसके है? ऑब्जेक्टिव बेटा बिजनेस के। काहे नहीं लग रहे हो बे? हाँ, इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने एक और बात कही थी, बिजनेस क्या ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों बातें कर रहे हैं? गांजा हीरोइन का धंधा? बिल्कुल, हम इसके बारे में डिस्कशन इनफैक्ट कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या बीसीके इलेक्टिक भी है? इलेक्टिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी है, अकाउंट्स का नॉलेज होना जरूरी है। यस, क्या बीसीके ने अदर डिसिप्लिन के वर्ड्स को भी उठाया है? हाँ, मिलिट्री के वर्ड को उठाया, बायोलॉजी को भी उठाया है। यस, और ऐसे अलग अलग चीज़ें वो उठाते रहे हैं। यस चलिए, इसके आगे हम लोगों ने देखा बीसीके इज इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। इसमें हम लोगों ने जोमैटो का केस स्टडी लिया, इसमें हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का केस स्टडी लिया, इसमें हम लोगों ने यू नो ऑनलाइन एप्स का भी एग्जाम्पल लिया। बिजनेस क्या हो रहा है? बदल रहा है। बिजनेस करने के जो तरीके हैं ये भी क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। सो द वे वी आर डूइंग द बिजनेस इज चेंजिंग। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है? वाई ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल इट इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ही हैज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड देन एंड ओनली देन ही कैन गिव हिज बेस्ट एडवाइस। यस, इसके बाद हम लोगों ने चालू किया था कि अपने बीसीके का नॉलेज को किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, बोलो न्यूज़पेपर। कोई भी दो न्यूज़पेपर बताओ जो बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड। यस, कल हमने इसको पढ़ा नहीं था, इनफैक्ट कल हम लोगों ने इसको देखा था, वो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया था। राइट, इसके अलावा दूसरी चीज क्या हो सकती थी? कैसे आप अपना नॉलेज एक्सपेंड? बिजनेस चैनल्स। यस, एनडीटीवी प्रॉफिट, सीएनबीसी, दो एग्जांपल याद रखे जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज, बिजनेस मैगजीन्स, फॉर्ब्स को दिया जा सकता है, बिजनेस टुडे को दिया जा सकता है। चौथा, सेल्फ अश्योरेंस, स्वतः मरा स्वर्ग भगा, याद आ रहा है क्या तुमको मालिक? अरे हाँ बोलो ना। यस, खुद खुद से हो करके आप क्या कर सकते हो? इस बिजनेस का नॉलेज ले सकते हो। अच्छा, तो खुद से हो करके कैसे लेंगे सर? आइए इधर पेज नंबर चार के ऊपर। सेल्फ अश्योरेंस। देखिए, बिजनेस हर जगह पे है, कहीं ना कहीं आप अगर रोजमर्रा में देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। सो बिजनेस इज ऑल अराउंड, वी एनकाउंटर इट, एंगेज विथ इट इन न्यूमरस ट्रांजेक्शन ऑन अ डे टू डे बेसिस। यस, सो आप खुद होकर के क्या कर सकते हो? सेल्फ अश्योर कर सकते हो, आप बिजनेस में एंटर कर सकते हो और उस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिजनेस को समझने के लिए क्या तुम्हें कॉमर्स का होना जरूरी है या साइंस वाला आर्ट्स वाला भी बिजनेस को समझेगा? इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बिजनेस को कर सकता है। तो इट डज नॉट मीन्स कि आपने कॉमर्स नहीं लिया तो आप हैंडीकैप हो गए, आपको को बिजनेस का कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। भाई साहब, कई दशकों से हम देखते आए हैं, इनफैक्ट जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की वही बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। यस, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं बिजनेस के अलावा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो
इफ यू हैड साइंस यूज द ब्रिज ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्रॉस ओवर टू द बिजनेस. भले ही आपने साइंस भी क्यों ना लिया हो, पर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के अंदर में एंटर कर सकते हो. किसका सहारा लोगे? टेक्नोलॉजी. आज आप देख करके सीख सकते हो, और आज तो खैर यूट्यूब, सोचो पहले के जमाने में ये डिफिकल्ट था. आज तो किसी भी बिजनेस में एंटर करना है तो आप उस चीज को लेकर के यूट्यूब पे जा सकते हो और उसके बारे में सारी चीजें पता कर सकते हो. ये कैसे हो सकता है, इसको बनाने के ऑल्टरनेटिव वेज क्या क्या है, वो भी एक तरीका है. इफ यू हैड ह्यूमैनिटीज then there are several bridges connecting with the business. Economics for sure, history of daily lives and livelihood, geography, the resources, occupation, psychology, sociology, understanding of human behavior and so on. तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको क्या करेगी, बिजनेस के बारे में डिटेल्स देती रहेगी. इसके अलावा आपको याद था तो हमने एक और पॉइंट लिखा था कि ऑब्जर्वेशन से भी हम बिजनेस को देख सकते हैं. हाँ या ना? यस, ऑब्जर्वेशन से भी हम देख सकते हैं. तो ये ऑब्जर्वेशन से कैसे देख सकते हो? कई बिजनेस हम सिर्फ ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं कि यार ये इस तरीके से ट्रेड हो रहा है या इस तरीके से क्या किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है. इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग स्लाइटली मोर कॉन्शियस ऑफ अवर सेंसरी एक्टिविटीज. मे बी एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, अ टीवी एड, अ बिजनेस न्यूज, अ विजिट टू मार्केट और अ मॉल, और ब्राउजिंग टू द इंटरनेट और स्मार्टफोन ऐप आपको बिजनेस के बारे में क्या दे सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है. ईच वन ऑफ अस हैज सिक्स ऑनेस्ट सर्वेंट. ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है कल, सिर्फ उसको बुक से आकर के पढ़ रहे, बाकी कुछ नहीं. यस, आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, आपके पास क्या होना चाहिए, छह ऑनेस्ट सर्वेंट है. हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर. यस, सो रूडी किपलिंग रिमाइंड्स अस, आई कीप सिक्स ऑनेस्ट सर्वेंट्स, दे टॉट मी ऑल आई नो. द नेम्स आर व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु. किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता कर लीजिए. राइट, देन प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट वॉज द लास्ट थिंग जो हम लोगों ने भी पढ़ी थी. किसी भी चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ लेने से काफ़ी नहीं हो जाएगा, इसे रोज प्रैक्टिस करो. एक बार सिर्फ देख लेने से काम नहीं होगा, उसे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. उसे क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. सो वी मे मेंटेन अ डेली जर्नल ऑफ बी सी के वेर इन वी कुड रिकॉर्ड अवर ऑब्जर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइज अवर रीडिंग, व्यूइंग, लाइटिंग एक्सेट्रा. यस, फिर अगर आप यहाँ आकर के देखोगे तो इस पेज के ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, बाकी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. डन मालिक, चलिए आइए पेज नंबर 5, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, ध्यान से सुनिए, जब हम बिजनेस करते हैं, या फॉर दैट मैटर बिजनेस को बाजू रखिए, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं मेरे भाई, यस ह्यूमन की बात करूं, तो हम रोजमर्रा में दो तरीके की एक्टिविटी करते हैं. एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे क्या बनता है, पैसा, वेल्थ. यस, इससे आपका वेल्थ बनता है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. और दूसरी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो कौन सी होती है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब वो हम हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए तो करते हैं, लेकिन उससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता. सो जनरली अ ह्यूमन इज एंगेज इनटू टू टाइप ऑफ एक्टिविटी, वन विच इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर विच इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, मैंने क्लासेस पढ़ाई और उसके बाद में मेरे को फीस मिला, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, इसके बाद में मैं जब घर पे गया, मेरी बीवी ने कहा कि अब तुम एक काम करो, खाना बनाओ, और खाना बनाने के बाद वो प्लेट को पोछ करके रखना, आज ये तुम्हारा काम है. अब ये कौन सी एक्टिविटी हुई? बराबर है, एक जगह तो मैं बहुत खुश था और दूसरी जगह मुझे जबरदस्ती नाटक करना पड़ रहा था खुश होने का. समझ में आ रही बात? राइट, सो सर ये वीडियो निकाल के मैम को भेज दो, नालायक आदमी. यस, अच्छा तो जल्दी से बताइए, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी दो एक्टिविटीज होती है. कैसी एक्टिविटीज होती है मालिक? दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस और नो? अच्छा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या क्या यू नो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? हर वो एक्टिविटी जिससे आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बनेगी. क्या ह्यूमन सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है? आंसर इज नो. क्या वो सिर्फ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है? नो. ये एक मिक्सचर होता है जो ह्यूमन कैरी आउट करता है. यस, तो किसी भी बिजनेस के अंदर में भी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों चीजें होती है. यस, बिजनेस प्रॉफिट एक्ट एलिमेंट तो देखती है हर चीज के अंदर में, लेकिन बिजनेस कई चीजें ऐसी भी करती है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए होती है. राइट, अब अगर आपने एक चीज सुनी होगी अगर, तो CSR नाम की एक चीज होती है. क्या होती है? CSR, एनीवन विद द फुल फॉर्म, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या चीज, वापस बोलो बेटा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आप ये पूछेंगे कि सर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पूछो ना. हाँ, अब आप पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूं. सर होता ये है कि आज बिजनेस हर जरूरत की चीज सोसाइटी से लेता है,
उसको रॉ मटेरियल चाहिए, सोसाइटी से मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, सोसाइटी से मिलता है, आज उसको बिजनेस करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए ये सारे रिसोर्सेज वो किससे लेता है, सोसाइटी से लेता है। क्या आपको नहीं लगता उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी को कुछ देने की? वो देता है क्या बदले में? पोल्यूशन, पोल्यूशन देता है, हाँ देता है पोल्यूशन, पर उसकी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ सोशल चीजें करे। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं देना तो पड़ेगा ना, सिर्फ लेते ही रहोगे क्या? नहीं, कई बार देना भी पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज को मैंडेट करता है 2% का CSR करने के लिए। कंपनी को हर साल 2% का क्या करना पड़ता है, प्रोविजन रखना पड़ता है कि वो CSR एक्टिविटी करे। अब आप ये पूछेंगे CSR एक्टिविटी में क्या क्या आता है? CSR एक्टिविटी के अंदर में जो भी सोशल वर्क से रिलेटेड एक्सपेंसेस है सब आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एरिया को मॉडिफाई करना या किसी जरूरतमंद को ये प्रोवाइड करना, सोशल इनिशिएटिव्स लेना, राइट? आज जो कंपनीज ने कोविड-19 के टाइम पे सारे के सारे अपने भंडार ओपन कर दिए, जैसे टाटा ने 1,000 करोड़ दिया, रिलायंस ने कपल ऑफ करोड़ रुपीज दिए, तो ऐसे केस में ये जो करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे हैं ये हो गया इनका CSR, सोशल कॉज के लिए करोड़ों रुपए निकाल करके बाहर रख देना, ये इनका CSR एक्टिविटी हो गया। यस, तो हर बिजनेस एज वेल एज ह्यूमन, इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता है, कैरी आउट करता है। चलिए एवरीबडी कम विद पेज नंबर 5 ऑन वॉकिंग्स। लाइव आर ऑल अबाउट एक्टिविटीज दीज डेज, इट इज मोर कॉमन फॉर एडल्ट टू टॉक अबाउट वर्क एंड लाइफ एंड स्ट्राइव टूवर्ड्स बैलेंसिंग द टू, वर्क लाइफ बैलेंस। वी ऑल वर्क टू अर्न लिविंग, ऑल दैट वी डू टू अर्न लिविंग कंप्राइजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर रेफर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर वो एक्टिविटीज जो हम हमारे जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज अर्निंग वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके अलावा जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना धोना एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो गई बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सीधे शब्दों में जिससे पैसा नहीं बन रहा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुम गए, तुमने दोस्तों के साथ खड़े हुए, अरे तेरे को मालूम है क्या हुआ आजकल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फुकट की पंचायती, क्या बोलते हैं इसको, फुकट की पंचायती, प्योरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उससे आप कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे, फायदा कुछ हो नहीं रहा, मिल कुछ नहीं रहा, बात समझना, ठीक है, मिल कुछ नहीं रहा उसमें से, राइट, ना उसको ना तुमको, पंचायती चल रही किसकी, थर्ड व्यक्ति की, इससे कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, आप अपने दोस्त के साथ गए, यार एक काम करते हैं अपन दोनों मिल करके ना यहाँ पे इस तरीके से इस चीज़ को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट कमाएंगे। यस, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, ठीक है, हिसाब डन, सब बराबर। तो ये जो चीज़ है ये कौन सी चीज़ बन गई बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर रेफर्ड टू एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंटरेस्टिंगली व्हाइल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिस्टिंग्विशेबल merely by presence of livelihood, variety of motive are attributed to non-economic activity. Concerns for fellow being, affection and love. सबसे दुनिया में सबसे बड़ी non-economic activity love and affection. क्या चीज बेटा? Love, love नहीं, love and affection. Yes, किसी को प्यार करना, ये दुनिया का सबसे non-economic काम है. Yes. माँ का ही प्यार एक सच्चा प्यार होता है, बात समझ लेना बेटा जीवन में, बाकी सारी बातें काल्पनिक है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है, मोह है और माया ही उसकी है। सो लव एंड अफेक्शन, आप ये जो प्यार मोहब्बत बांटते फिर रहे हैं, कैसे है? लड़कियों के केस में तो खैर मेरे को पता नहीं, लड़कों के केस में तो क्या है, हर दूसरे पे प्यार आ जाता है अचानक से, पता नहीं कैसे ये हमेशा क्या होता है, लड़कों का जो दिल होता है ये बड़ा मासूम होता है, मुलायम सा होता है, ये हर एक के लिए उतना ही धड़कता है सही है कि नहीं है, आप मुझे बताओ, आ देखो सही है भी बोल रहा है, अबे नहीं बोलना है तेरे को झंडू, नहीं बोलना है तेरे को। यस, लड़के बेचारे बहुत कोमल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं या नहीं, बराबर है ना, इतने काइंड हार्ट होते हैं कि अपना हार्ट सबको दे देते हैं, देखो जरूरत है, रख पगली तेरा ही है। लव एंड अफेक्शन, बताइए कोई इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी बाहर आ रही है? नहीं। हाँ, इकोनॉमिक एक्सपेंसेस इसमें बहुत होते हैं, इस अर्निंग कुछ नहीं है, मैडम को क्या करना है, पानी पूरी, वो इधर उधर हाथ लगाया हुआ, पानी अंदर डाला, वो पानी पूरी मैडम को कहानी, तुम्हारे इकोनॉमिक एक्सपेंसेस बहुत है, तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। यस, लव एंड अफेक्शन फॉर फैमिली, पैशन अबाउट सम हॉबी,
कभी लड़कों का ना रेज्यूमे चेक करना, रेज्यूमे, लड़कों का कभी रेज्यूमे चेक करना, ठीक है। हॉबी के नाम पे तीन ही हॉबी जीवन में मिले, पहली बात तो रिज्यूमे ही किसी का कॉपी रहता, उसकी हॉबी अपनी हॉबी, ठीक है। लड़कों का आप पूछोगे ना तेरी हॉबी क्या है, पहला ट्रैवलिंग, कहीं ट्रैवल नहीं करता ट्रैवलिंग मतलब लड़कों की क्या है पता तुम्हें, दुकान ऑफिस या क्लास से घर, घर से वहां, मौत हो गया टपरी खत्म। बट फिर भी भाई के रिज्यूमे में क्या लिखा होगा, ट्रैवलिंग। दूसरा स्पोर्ट्स, उसमें भी एक ब्रैकेट में क्रिकेट, ठीक है। और क्या हॉबी, चलिए यही यही एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते, क्या क्या हॉबी है भाई तेरी, क्या हॉबी है, रीडिंग, ओ ओ ओ, अरे वो जो रात में तू स्टोरी पढ़ता है उसका रीडिंग नहीं बोलते रीडिंग भी हो सकती है क्योंकि मेरी भी है, नहीं वैसा नहीं, अरे वैसा नहीं है, ठीक है। तू समझ रहा है ना मेरी बात को, भावना पहुंच गई ना, हाँ बस। सो रीडिंग इज वन सच एक्टिविटी। हाँ और क्या हॉबी हो तेरी, पिक्चर दे सही जा रहे हो बेटा हाँ बोला, अरे क्या हॉबी, कुछ तो होगा ना तेरा भी, ऐसी चीज जो तू रोज करता है, अरे हॉबी मतलब पैशन है तेरा उसके लिए, स्टडी, ओ हॉबी बोले। सी लड़कों की ले देखे हॉबी बस इतनी है, और एक उसको ट्रैवलिंग पसंद है वो कर नहीं पाता, बुक रीडिंग उससे होती नहीं, यस बुक रीडिंग उससे होती नहीं, राइट। कुछ चार पांच हॉबी, एक आदमी बोल सकता है सर म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक इज माय हॉबी, इंटरनेट सर्फिंग इज ऑल्सो अर हॉबी, यस इंटरनेट सर्फिंग, बस ऐसा या ऐसा करना, ये हमारा हॉबी है सर, यस कुछ भी मिले राइट कर देना उसको, ये हमारा हॉबी है सर। लड़कियों के केस में देखो, अब हॉबी सुनो, हाँ लड़कियों के केस में एक मेकअप इज अ हॉबी, नहीं मेरे को नहीं लगता लड़कियाँ इतना मेकअप को लेकर हॉबी जैसा कुछ परस्यू करती है, हो भी सकता है, यस तुमको क्या फर्क पड़ता है बे, वैसे भी तुमको तो सब एक ही जैसा दिखना है लाइफ में। हाँ क्या होता है हॉबी, ड्राइंग पेंट, लड़कों के साथ ही नहीं, लड़कों का ड्राइंग मजनू भाई हमारे आइडल है बे, हमारा आइडल है वो, खैर लड़कियों के, हाँ लड़कियों के केस में ना देखो यार, भगवान ने एक आर्ट उनको बाय डिफॉल्ट दिया होता है, ड्राइंग पेंटिंग कलरिंग, लड़कों के साथ ये नहीं होता। अच्छा एक और तकलीफ है, लड़कियों को क्या कलर भी समझते है, लड़कों को तो साले कलर ही नहीं समझते, यहां से तो हमारी तकलीफ शुरू होती है, राइट। अब जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ब्लू कितने प्रकार के होते हैं बेटा लड़कियों के हिसाब से, जैसे लाइट ब्लू, सात आठ ब्लू होते, अबे सात आठ तो हमारे में रेनबो के कलर होते हैं, सात आठ मैडम ने ब्लू बना दी, जैसे जीते एक लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, और सियान ब्लू। एक बार की बात है, मैं इधर गया मैडम के साथ, अपनी धर्म वाली पत्नी पल्लवी, ठीक है, अवन अपना लव मैरिज है, बात समझ लेना, ठीक है, इसलिए तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ मैं जीवन में। तो अपन पहुँच गए मैडम के साथ, एक गो कलर्स करके शॉप आता है लड़कियों के केस में, ड्रेस मटेरियल का एक शॉप है, तो हम पहुँच गए, धक्का मेरे को तब लगा। अब जैसे मैं, क्या होता है मैं जनरली मैडम के साथ जाता नहीं, क्योंकि क्या अपने को हमाल बना के रख देते हो, हाँ अपना काम क्या है, या तो पैसे पे करो या तो वो उठाओ या तो गाड़ियाँ पार्क करते रहो, अपना काम इतना ही है वहाँ पे लाइफ में। मैडम मेरे को लेके चले गए, उस दिन अपन खाली थे जीवन में बहुत, मैडम लेके चले गए, धक्का बैठा मेरे को, शॉप में जाके मैडम बोलती है वाइट में कलर दिखाओ, बोला हाँ वाइट में कलर आयुष्य वाइट में कैसा कलर होता है जीवन में, पर नहीं भाई लड़की को उसमें भी कलर दिखता है वाइट में, देखो ऑफ वाइट, क्रीम वाइट, प्योर वाइट। लड़कों से तुम पूछोगे ना कलर कितने हैं, एक है वाइट, एक है ब्लू, एक है ब्लैक, बहुत हो गया रेड ऑरेंज, खत्म खत्म, येलो बहुत बैक एंड पे, अरे हद पार हो गई ग्रीन, बराबर है इतना हो गया। देखो हम रणवीर सिंह है नहीं, आप बात समझो, बाकी के कलर हमको समझते नहीं, ना हम पहन सकते, ठीक है। अगर एक हाथ लड़के ने पिंक विंक टाइप का टी शर्ट पहन लिया ना, दोस्त ग्रुप तो उसको बस बोल बोल के जीवन खत्म कर देंगे, उसका समाप्त कर देंगे, राइट। सो खैर
अगर आप देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में क्या क्या आता है मालिक, पहला लव एंड अफेक्शन, दूसरा क्या आता है पैशन, पैशन को आप फॉलो करो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिंगिंग आई गेस लड़कियों के केस में होता है, डांसिंग आई गेस लड़कियों के केस में होता है, लड़कों के केस में ये सब नहीं होता, बट हाँ बच्चियों के केस में ये जरूर होता है, राइट। और मे बी कॉज सच एज एनिमल राइट, फॉरेस्ट राइट, नेचर, कॉन्वर्सेशन, अनप्रिविलेज यूथ, या हो सकता है कई लोगों को यू नो सोशल वर्क करने में मज़ा आता है, एनिमल्स को बचाओ या पेड़ों को बचाओ या अंडर प्रिविलेज को उठाओ, काइंड ऑफ एक्टिविटी। लेकिन ये सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इनसे भी हो सकता है किसी लोगों का ये फुल टाइम काम हो तो कोई इससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकता है? येस, बट जनरली इसे क्या कंसिडर किया जाता है फॉर अ पब्लिक एट लार्ज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी सेट टू बी ड्रिवन बाय रैशनैलिटी। इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर में क्या होता है बेटा, रैशनैलिटी होती है। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज़ करने से पहले ये देखेगा अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या, समझ रहे हो बात को, वो सीधा सीधा बात करेगा। कोई भी चीज़ जब इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर होता है रैशनैलिटी, वो हर चीज़ को चेक करता है कि भैया मैंने इतना दिया तो मेरे को कितना मिला, ये सीधी सीधी बात है, वो कैलकुलेशन करता है, राइट। इसको हम कहते हैं एक रैशनलिटी होती है उसके अंदर में कि भैया मैंने अगर 100 रुपए दिए तो मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये सब भाव नहीं होता। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ वो इरेशनैलिटी पे वर्क करते हैं। यहाँ ये हमेशा क्या करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले, रैशनैलिटी पे वर्क करते हैं कि मैंने ये दिया तो मेरा क्या, राइट। सो इट इज ड्रिवन बाय रैशनैलिटी, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न और व्हाट इज इन इट फॉर मी और सेल्फ इंटरेस्ट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। माँ को देखिए सर, माँ को देखिए कभी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला भाव ही नहीं दिखता। यस, माँ को देखिए कभी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला भाव आपको दिखेगा ही नहीं जीवन के अंदर में। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो हर काम निस्वार्थ करती है। यस, एक माँ ही ऐसी होती है जो हर काम क्या करती है बेटा, निस्वार्थ करती है। दस, ह्यूमन एंगेजमेंट इन ऑल सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पर्सनल, रिक्रिएशनल, चैरिटी एंड पेट्रियाटिक एक्टिविटी आर बंडल टुगेदर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशल गैदरिंग्स, फैमिली मिल रही है या यू नो सारे दोस्त लोग मिल रहे हैं, स्कूल का रियूनियन हो रहा है, कॉलेज का रियूनियन हो रहा है, सोशल एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी क्या है? रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, मम्मी आपको उठा के जबरदस्ती लेके जा रही, रिलीजियस एक्टिविटी, प्योरली नॉन इकोनॉमिक। कल्चरल एक्टिविटी, आपके समाज का कोई प्रोग्राम हो रहा है आप जाइए अटेंड कीजिए। पर्सनल एक्टिविटी, आप बैठे हैं म्यूजिक सुन रहे हैं, आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। देन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कुछ अपडेशन वाली चीज़ें, रिक्रिएशनल वाली, आप गार्डन जा रहे हैं, कुछ तो अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। चैरिटी या पेट्रियाटिक एक्टिविटी है ना, 15 अगस्त के दिन आपने बोला कि भैया अपन झंडा फहराएंगे, अपन जाएंगे, ये क्या हो गया? बस पेट्रियाटिक एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी को बंडल करते तो हम कौन सी, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? यस, अगर आप देखोगे शेफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, कोई बच्ची यू नो किसी कंपनी में काम कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन वही माँ जो घर में खाना बना रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक, यानी लेडी वही है पर वो क्या कर रही है इससे ये डिफर हो जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही लेडी घर पे खाना बना रही है विदाउट एनी फीस, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? नॉन इकोनॉमिक। और उसको अगर इसी चीज़ के लिए सैलरी या अदर पेमेंट मिल रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, चलिए, अबाउ प्रोवाइड्स अ पिक्टोरियल ग्लिम्स इनटू सम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो हैव इकोनॉमिक डायमेंशन। जैसा कि मैंने कहा, इनफैक्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक डायमेंशन हो सकता है। ये मेरी हॉबी है, फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझिएगा, मेरी हॉबी है कि पेंट करना, ठीक है, ये मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ड्राइंग पसंद है, मेरे को पेंटिंग पसंद है। अगर मैं मेरी बात करूँ, यही पेंटिंग मैंने एक दिन मैंने क्लास में आया, ये पेंटिंग सबके सामने रख दी और बच्चों को बोला, बच्चों ये पेंटिंग को बेच करके जो भी पैसा आएगा ये मैं किसी की मदद करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर रख दिया, किसी बच्चे ने उसको 500 रुपये में बोल दिया, सब बच्चों ने ऑक्शन किया, 500 रुपये के अंदर में डिसाइड हो गया, 500 रुपये कलेक्ट हुए, ये 500 रुपये से जो मैंने इनकम कमाई, अब ये प्योरली कौन सी एक्टिविटी थी? नॉन इकोनॉमिक, लेकिन मैंने इसको इकोनॉमिक फंक्शन दे करके क्या कर दिया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो इनफैक्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक डायमेंशन हो सकता है, पर जनरली होता नहीं, हो भी सकता है। यस, मजनू भाई हॉबी है पेंटिंग बनाना, बात समझना, मजनू भाई गाड़ियों पर सबको रोक देते, मजनू भाई हाँ वेलकम वाले, और जिसको नहीं पता बेटा पोगो आस्था, राइट, डिज्नी हॉटस्टार में डिज्नी,
राइट. सो मजनू भाई सड़क पे पेंटिंग बना रहे हैं, प्योरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन राजीव बाद में इस पेंटिंग को सेल कर देता है इकोनॉमिक. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो हैव इकोनॉमिक डायमेंशन. यस. एज अ टाइम मनी मटेरियल रिसोर्सेज आर नीडेड टू मेक दिस हैपन. हाउएवर नीदर द इन्वेस्टर नॉर दोज हु वॉलंटियर टू वर्क इन दिस एक्टिविटी सीक एनी मटेरियल गेन और रेगुलर इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटी. यस. हालांकि जितने भी लोग हैं इनमें कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं होती इसके अंदर में. इनफैक्ट द मोटिव और इंटेंट बिहाइंड एनी एक्टिविटी इज सच अ सिंगुलरली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक डिक्टॉमी दैट से. देखिए कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं इसमें बस एक ही चीज़ रेलेवेंट बनती है कि क्या इंटेंशन से ये किया गया है. इंटेंशन अगर प्रॉफिट कमाना है, रैशनैलिटी ढूंढना है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगा. एल्स ये कौन सी एक्टिविटी बन जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो लिखा है, जल्दी से आप भी अपने रजिस्टर में इसे उतारिए. ह्यूमंस आर एंगेज इन टू काइंड ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. Humans are engaged in two activity, economic and non-economic. Economic activity are driven by rationality. Economic activity are driven by rationality. सेल्फ इंटरेस्ट, आगे ब्रैकेट में इंग्लिश में, मुझे क्या मिलेगा मेरा क्या फायदा. रैशनैलिटी का मतलब मुझे क्या मिलेगा मेरा क्या फायदा. क्या चीज देखो, मुझे क्या मिलेगा मेरा क्या फायदा, रैशनैलिटी. इकोनॉमिक्स इज ड्रिवन बाय रैशनैलिटी, ब्रैकेट में सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा मेरा क्या फायदा. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्रिवन बाय इमोशन एंड सेंटिमेंट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्रिवन बाय इमोशन एंड सेंटिमेंट्स. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है? लव, पैशन, हॉबी. लव, पैशन, हॉबी, वर्किंग फॉर वेलफेयर और राइट्स ऑफ एनिमल. Working for welfare or rights of animal. Family time. Social, religious. Patriotic. कल्चरल, पर्सनल इवेंट्स. सोशल, रिलीजियस, पेट्रियोटिक, कल्चरल,
पर्सनल एटसेट्रा। वापस देखिए, आराम से लिखिए। ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ड्रिवन बाय रैशनैलिटी, ब्रैकेट में सेल्फ इंटरेस्ट, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय इमोशन एंड सेंटिमेंट्स, इट इंक्लूड्स लव, पैशन, हॉबी, वर्किंग फॉर वेलफेयर, राइट्स ऑफ एनिमल, फैमिली टाइम, सोशल, रिलीजियस, पेट्रियाटिक, कल्चरल, पर्सनल इवेंट्स एटसेट्रा। अगर आपका हो गया हो तो मुझे बताइए, आगे बढ़ेंगे। डन है सर? चलो जी, यस। सो ह्यूमन एक्टिविटीज, इसी के साथ साथ दो लाइन और, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो हैज इकोनॉमिक डायमेंशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो हैज इकोनॉमिक डायमेंशन। इंटेंशन ऑब्लिक मोटिव डिसाइड इकोनॉमिक ऑब्लिक नॉन इकोनॉमिक मैटर। इंटेंशन ऑब्लिक मोटिव डिसाइड इकोनॉमिक ऑब्लिक नॉन इकोनॉमिक मैटर्स। डन हुआ सरकार? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई भी चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आप उसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, राइट? सबसे पहले मुझे ये बताइए, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स? यस, राइट। फीचर्स का मतलब होता है कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कैसा होना चाहिए। चलो कम ऑन, वंस अगेन, फीचर्स का मतलब होता है कैसा है और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कैसा होना चाहिए। क्लियर है मालिक? कैसा होना चाहिए, ये बनता है आपका कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक कि भैया कोई भी अगर चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो कैसी होती है। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप करेंगे तो ये आपके लिए क्या जनरेट करेगी? इनकम, पैसा, वेल्थ आपके लिए क्या करेगी? ये जनरेट करेगी। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दीज इनकम मे बी अर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली। पैसा जो कमाया जाता है वो क्या सिर्फ मनी में कमाया जाता है क्या? नहीं, इनफैक्ट काइंड में भी कमाया जाता है। पूछो कैसे? हाँ, अब आप इतना पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। अब देखिए हुआ क्या, राइट? मैंने आप लोग का बैच बहुत अच्छे से लिया, राइट? बहुत अच्छे से लिया। आप लोगों ने भर भर के तारीफ कर दी, अपने सारे दोस्तों को बता दिया, भैया तेरे को जो इधर जाना है उधर जा, ये सब्जेक्ट तेरे को इधर लगाने का है, ठीक है? अब क्या हुआ जरा समझिएगा। आपने भर भर के तारीफ करी, इसके बाद में दर्शन सर ने मेरे को बोला, यार विजय बहुत मेहनत करी है तूने बैच में, एक काम कर मेरे तरफ से, तू जा और थाईलैंड में मेडिटेशन करके आ, सारा खर्चा मेरा। मेडिटेशन नहीं हो सकता क्या वहां पे, राइट? तो अब मुझे एक बात बताइए, मुझे फ्लाइट में जाना, रहना, खाना पीना और बाकी सारी चीजों का जितना भी खर्चा लगा वो सारा का सारा एकेडमी ने बेयर किया। बताइए क्या ये बेनिफिट हुआ मुझे? बहुत बड़ा। क्या ये बेनिफिट हुआ मुझे? बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे, यस। अब ये जो बेनिफिट मिला मुझे, ये मेरे लिए बेनिफिट इन काइंड है, ये मेरे लिए बेनिफिट इन काइंड है। एट द सेम टाइम मान लीजिए कोई एक केस मेरे क्लाइंट का अटका पड़ा हुआ था, मेरा उसके साथ में अग्रीड फीस डिसाइड हुआ, कि बॉस 5 लाख रुपए में लूंगा इस केस को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए। इस केस को मैंने जिता दिया और उसके साथ साथ उसका बहुत अलग जो बड़ा इशू चालू था वो भी सॉल्व कर दिया। उसने 5 लाख की जगह मुझे 7 लाख का फीस दिया खुश हो करके। नाउ टेल मी, इज इट
अ बेनिफिट? इज इट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस। अब बताओ मुझे ये क्या हुआ, मुझे उसने 5 लाख तो दिया ही दिया, साथ साथ में उसने क्या किया, उसने मुझे एक नई ई व्हीकल गिफ्ट कर दी। सर आपने मेरा केस निकाल के दिया, मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये लो मेरे तरफ से ई व्हीकल। अब मुझे बताइए क्या ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? यस। सो बेनिफिट का मतलब सिर्फ इनकम और मनी नहीं, बेनिफिट इन काइंड इज ऑल्सो अ बेनिफिट। यस। द फैक्टर्स अर्न्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन, इन अदर वर्ड्स इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है। अर्निंग अ लाइवलीहुड इम्प्लाइज पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी, ऑल आर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्शन मे बी डन ईदर फॉर सब्सिस्टेंस, दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और फॉर मार्केट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हो, कोई ना कोई प्रोड्यूक्शन होता है। यस, ये प्रोडक्शन खुद के लिए भी हो सकता है या किसी और के लिए भी हो सकता है, ये प्रोडक्शन खुद के कंजम्पशन के लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर बाहर आएगा, कोई प्रोसेस है। एवरी कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स। हर कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी व्यक्ति कुछ खरीद करके कंज्यूम कर रहा है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जाहिर सी बात है, खरीदेगा फ्री में तो खरीदेगा नहीं, तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, एवरी कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स अ डिमांड। सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड वेल्थ। इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 फंडे होते हैं, पहला सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड वेल्थ क्रिएशन। यस। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अंदर में पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, बी इट इन कैश और बी इट इन काइंड, बी इट इन कैश और इन काइंड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, बी इट इन कैश और बी इट इन काइंड। पॉइंट नंबर बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। Production can be done for self-consumption or market. Speed bada. Economic activity is productive activity. Production can be done for self-consumption और मार्केट। एवरी कंजम्पशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी कंजम्पशन, इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। डन है सर।
आइए, कमिंग टू द सेवेंथ पेज, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आपको नहीं लगता हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं? स्टिल हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी के यहाँ जॉब करता हूँ? यस. अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी के यहाँ क्या कर रहा हूँ बेटा, जॉब कर रहा हूँ. अगर मैं जॉब करूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा या सैलरी वेजेस मिलेंगे? यस. मुझे प्रॉफिट मिलने वाला नहीं, मुझे क्या मिलेंगे? सैलरी और वेजेस. क्या अगर मैं किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? क्या मेरे पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए होगा वो होना जरूरी है, हाँ या ना? क्या एम्प्लॉयर के बनाए हुए रूल्स या कोड्स मेरे ऊपर एप्लीकेबल होंगे? यस. अब इसी को बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं, इसी को बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं. बिजनेस अगर है तो मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हूं या एम्प्लॉयमेंट सीकर हूं? अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हूं या एम्प्लॉयमेंट सीकर हूं? अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हूं या एम्प्लॉयमेंट सीकर हूं? प्रोवाइडर. अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं दूसरों को क्या दूंगा? जॉब्स दूंगा. मैं दूसरों को क्या देने वाला हूं? सैलरी देने वाला हूं. यस और नो? अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, प्रॉफिट मिलेगा या वेजेस मिलेंगे? प्रॉफिट मिलने वाला है. यस और नो? राइट. क्या बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. यस और नो? एथिक्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात किया जाए तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट मेरे पे लागू होंगे या मैं कोड ऑफ कंडक्ट बनाऊंगा? जाहिर सी बात है बिजनेस मेरा तो रूल्स मेरे, ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा. यस और नो? तो आइए समझते हैं. प्रोफेशन के केस में अगर मैं बात करूं, प्रोफेशन के केस में तो क्या मैं मेरी इंडिपेंडेंट सर्विस रेंडर कर सकता हूं, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, मुझे सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा या फीस मिलेगी? फीस मिलेगी. यस. क्या प्रोफेशन एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्टडी होना जरूरी है, हाँ या ना? मेरे ऊपर क्या प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होंगे? यस. तो तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला, बिजनेस एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी कमिंग अंडर इंडस्ट्री ट्रेड और कॉमर्स. हर वो एक्टिविटी जो ट्रेड कॉमर्स या मैन्युफैक्चर की होगी हम उसको बिजनेस कह सकते हैं. प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर बेस्ड ऑन अ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, वेयर एज एम्प्लॉयमेंट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिश किस तरीके से होंगे? ये तो एंटरप्रेन्योर होते हैं, खुद होकर के रिस्क लेते हैं, बिजनेस करते हैं. प्रोफेशनल्स को किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप मिलता है, जैसे सीए हो तो आईसीएआई का मेंबरशिप मिलेगा, सीएस हो तो आईसीएसआई का मेंबरशिप मिलेगा, सीएमए तो आईसीएमएआई का मेंबरशिप मिलेगा, डॉक्टर्स होंगे तो उनके डॉक्टर्स एसोसिएशन का मेंबरशिप मिलेगा. तो यू नो, आपको किसी ना किसी मेंबर्स प्रोफेशनल बॉडी का क्या मिलता है? मेंबरशिप मिलता है. राइट. यही अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है बेटा? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप प्रोफेशन में हैं आपको फीस मिलेगा, अगर आप सैलरी में हैं तो आपको क्या मिलेगा? वेजेस. प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं. आप चाय भी बेच सकते हैं, चाय पत्ती भी उगा सकते हैं और चाय पत्ती एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. राइट. प्रोफेशन के अंदर में आपके पास एक स्ट्रिक्ट यू नो ये होना जरूरी है, एक स्ट्रिक्ट डिग्री होना जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर योर जॉब होना जरूरी है. एथिकल गाइडेंस क्या वर्क करता है? बिजनेस के केस में फाउंडर के वैल्यूज होते हैं कि मेरे को बिजनेस इस मॉडल पे रन करना है, तो उसके अपने एक वैल्यूज है. राइट. फिर प्रोफेशनल कोड, एथिकल कोड होते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, और एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर्स कोड होता है. इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है या नहीं लगता है? सब्सटैंशियल लगता है. कैसा लगता है? सब्सटैंशियल लगता है. राइट. प्रोफेशनल के केस में कुछ तो लगता ही है, ऑफिस बनाओ, क्लिनिक बनाओ, कुछ तो बनाना पड़ेगा ही आपको, लेकिन जॉब करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. यस. पर्सनल फ्रीडम, बिजनेस में आपको दुनिया भर का फ्रीडम है, जब चाहो शटर ओपन करो, जब चाहो बंद. धंधा करने का मूड है ओपन है, नहीं करने का मूड है बंद है. राइट. प्रोफेशनल्स के केस में कुछ तो है ही, मतलब आप चाहो तो सर्विस दे सकते हो, ना चाहो नहीं दे सकते. जॉब में ऐसा कुछ होता नहीं. मेरे डैड कहते, पता है, नौकरी है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लाइन कहने जा रहा हूँ, बहुत डीप है, बहुत डीप है, ध्यान से सुनना. मेरे डैड कहते हैं बेटा नौकरी है. सी, आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, बिजनेस इज ब्लड. बराबर है. हमको बचपन से ही सिखाया जाता है बेटा देखो करना धंधा ही है. अब ये हर एक फैमिली के एक वैल्यूज होते हैं,
ठीक है, हमारे को तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि भैया तुमको बिजनेस करना है। सर मेरे डैड का मानना है बेटा हम लोग नौकरीज में जनरली नहीं जाते। मैंने पापा से पूछा क्यों, उन्होंने कहा बेटा नौकरी है, नौ करी और एक नहीं करी तो भी गाली पड़ेगी। सपोज तुम्हें 10 काम दिए थे, नौ करी और एक नहीं करी तो भी गाली पड़ेगी। इसी के लिए अपना ही अच्छा, कम कमाएगा लेकिन खुद का बॉस रहेगा, ये कभी भी बेटर। अब अपने अपने फंडे होते हैं, ठीक है, कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है, सबके अपने अपने फंडे, राइट। मेरे को पर ये बात ऐसा दिमाग में इधर इधर सेट हो गई, मालूम इधर के अलावा इधर भी सेट हो गई कि साला 9 काम करूंगा एक नहीं करूंगा तो भी सामने वाला गाली जरूर देगा, मेरे बिजनेस में मैं 8 भी काम करूंगा तो भाई। यस सर्टेनिटी ऑफ इनकम, सर्टेनिटी ऑफ इनकम, अरे भाई बिजनेस के अंदर में लीस्ट कोई गारंटी नहीं है बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कोई गारंटी नहीं है बिजनेस सक्सेसफुल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यस बिजनेस में पहले खुद का पैसा लगाना पड़ता है और बाद में पैसा आउटपुट से बाहर आता है। यस प्रोफेशनल्स के केस में क्वाइट अ बिट, मतलब आप हार्डली किसी प्रोफेशनल को देखोगे जो खाली बैठा है। यस एंड जॉब के केस में दिस इज द मोस्ट सर्टेनिटी ऑफ इनकम, 30 दिन आप काम करोगे और सैलरी लेकर के जाओगे, खत्म हो गया काम। तो सर्टेनिटी ऑफ इनकम कहाँ ज़्यादा है, जॉब। बिजनेस करना एक 100% रिस्क लेने जैसा है, हर कोई नहीं कर सकता, राइट। स्टेट ऑफ टेन्योर अनसर्टन, बिजनेस का अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा है, चलेगा नहीं चलेगा किसको पता। दूसरा प्रोफेशन क्वाइट सर्टन, आपने एक स्पेसिफिक डिग्री ली है तुम खाली तो नहीं बैठोगे जीवन में, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, राइट। जॉब क्वाइट सर्टन, आपको यू नो अनलेस एंड अनटिल आपने काम सही तरीके से नहीं किया आपका काम जीवन भर चलता रहेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या बिजनेस आप किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो, यस। प्रोफेशन किसी और को ट्रांसफर हो सकता, नहीं। मैंने सीए डिग्री लिया, पल्लवी इज ऑल्सो सीए, ठीक है, मैंने सीए डिग्री लिया, पल्लवी इज ऑल्सो सीए, उसने भी सीए का डिग्री लिया, हम हमारी डिग्री हमारे बच्चों को ट्रांसफर कर सकते क्या, जॉब नहीं। यहाँ बिजनेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बिजनेस आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो इनहेरिटेंस में, लेकिन हर एक केस में नहीं लगती बेटा, मतलब वो ऐसा है कि यू नो कुछ सेक्टर्स के अंदर में आपका लग जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर के अंदर में आपका लगेगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर में। इज दैट डन, रजिस्टर में सिर्फ जाओ और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन रेफर टेबल पेज नंबर डाल के ख़त्म कर दो, ये टेबल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट रेफर टेबल एंड पेज नंबर। डन, ओके लास्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक, दे आर जॉब प्रोवाइडर, दे आर जॉब प्रोवाइडर, जॉब क्रिएटर, यस। सो दे आर जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब सीकर, ये दूसरों को काम देते हैं ये काम लेते नहीं। प्रोवाइड्स मोमेंटम टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर बिजनेस से एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बनता है, हर बिजनेस से क्या बनता है बेटा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बनता है। यस क्योंकि जो बिजनेस होता है वो कई लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रॉफिट कमाता है, सोसाइटी को कुछ देता है, सोसाइटी से कुछ लेता है, तो ये एक मोमेंटम लेकर के आता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ऐसे ही नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे भाई और बहनों मेक इन इंडिया, तो ऐसे ही नहीं है क्योंकि वो जानते हैं बिजनेस करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से डेवलप होगी। यस आज चाइना इतना आगे बढ़ा हुआ है तो आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर कर रहा है कि वो दूसरे देशों को क्या करते जा रहा है, एक्सपोर्ट करते जा रहा है और प्रॉफिट कमाते जा रहा है।
राइट right? आज अगर आप इंडिया में देखोगे मैक्सिमम खिलौने आपको चाइना से आते हुए दिखेंगे, यस मैक्सिमम कपड़ा आपको चाइना से आता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम अप्लायंसेस आपको चाइना से आते हुए दिखेंगे, मैक्सिमम यूटिलिटी वाली चीजें आपको चाइना से आती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मॉडल डेवलप कर दिया, भैया बनाओ, प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट करो, प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट करो, प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट करो। और इंडिया में ये कल्चर धीरे धीरे, जब इंडिया जाना ही किसके लिए जाता था, बिजनेस के लिए जाता था, राइट right? धीरे 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 वो कल्चर खत्म होते जा रहा है। जो लोग बिजनेस में थे वो अपने बच्चों को पढ़ा करके जॉब पे डाल रहे हैं, राइट right? अब अगर सभी जॉब करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा? एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल ग्रोथ तो बिजनेस से आ रही है ना। आज हर बड़ा कंपनी आप देखो वो उठ करके यूएसए में बैठा है। यूएसए क्या करता है? यूएसए प्रोडक्शन के ऊपर दिमाग लगाता है और बाकी चीजें क्या कर लेता है? इम्पोर्ट। यस, कंज्यूमेबल क्या कर लेगा? इम्पोर्ट कर लेगा और बाकी चीजें यहाँ पे बना रहा है। चाइना भी इसी मॉडल पे वर्क कर रहा है और ठीक इसी तरीके से इंडिया भी उसी मॉडल पे जाने की सोच रहा है कि यार हम भी बनाएंगे और दूसरे देशों को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। Yes, अगर आपको बताओ रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में राइट इंडिया का जो डिफेंस के ऑर्डर थे ये बढ़ गए। हमारे यहाँ की मिसाइल्स बढ़ गई क्योंकि यू नो मिसाइल्स का सेल बढ़ गया। हमारे यहाँ का डिफेंस का जो सेल्स था ये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने चाइना से लेना रशिया से लेना प्रेफर नहीं कर रहे, वो इंडिया से लेना प्रेफर कर रहे हैं, राइट। सो स्कोप बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। प्रोवाइड मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कॉमन पार्लेंस द टर्म बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर आर सिनोनिमस। इवन वी शैल बी यूजिंग दिस टू टर्म्स इंटरचेंजेबली। हाउएवर एंटरप्रेन्योर्स आर बेटर कैरेक्टराइज मोर बाय देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यू अपॉर्चुनिटी सीकिंग बिहेवियर एंड ड्रॉज ऑन देयर क्रिएटिव एंड इनोवेशन। दस बिजनेस कैटिप्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जेजेशन एंड अनसर्टेनिटी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एफिशिएंट ओरिएंटेड एक्टिविटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पर्पसफुल। पहला इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स। सहज सी बात है, हर बिजनेस जो इकोनॉमिक ग्रोथ में देखता है वो एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स देखता है। आप इन्वेस्ट करोगे और आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। हर बिजनेस में जेजेशन और अनसर्टेनिटी होगी। जेजेशन मतलब एक टाइम लगता है बिजनेस को सेट होने के लिए और अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। हर बिजनेस एक सिस्टमैटिक की ओर जाता है, ऑर्गेनाइज होने की ओर जाता है और ये एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी होता है, मतलब लोगों से आउटपुट निकलवाने वाली एक्टिविटी होती है, राइट। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या पर्पसफुल। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, एवरी बिजनेस हैज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्या होती है बेटा? एक्टिविटी होती है। सो अगर देखा जाए what are the characteristics of business, they are job creator, provide economic growth, gestation period and uncertainty, systematic and organized. Likh lo, aaj ka kaam khatam. Gestation period and uncertainty. Gestation period भी बोला जाता है इसे। Gestation period and uncertainty. डन है सर। तो क्या क्या पढ़ा मालिक आज हम लोगों ने? आज हम लोगों ने देखा ह्यूमन की कितनी एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एंड
नॉन इकोनॉमिक, दूसरी चीज हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तीसरी चीज हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। यस, आप सभी को मैं बता दूं बहुत जल्द हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, राइट। आप लोग डेली रिवीजन करें, क्योंकि डेली रिवाइज करना ही सबसे बेहतर रिवीजन होता है, और अगर आप डेली रिवाइज करेंगे बिलीव मी आप 60+ मार्क्स सब्जेक्ट के अंदर में कभी भी लेके आएंगे। अब तक के आपको ये तो समझ में आ गया होगा दैट सब्जेक्ट इज वेरी इजी। यस, अब तक के आपको ये तो समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट इज वेरी इजी, जॉयफुल एंड रियली इंटरेस्टिंग। यस, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, सी मैं ये कह सकता हूँ आपको, आप इस सब्जेक्ट के अंदर में ज़्यादा स्कोर कर दो, कहीं और थोड़ा सा कम कर दो, कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाएगा और पूरा का पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। यस, मिलूँ आपसे कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके।